हाय माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी सब ठीक होंगे। तो जी कल मैंने बड़े अरसे बाद को यूट्यूब पे बैठी हूँ, सारे कमेंट्स पढ़े, सबको रिप्लाई दिया। कल मैंने मेरी लास्ट वीडियो देखे आप लोग, संडे रूटीन वाली सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, सबको रिप्लाई दिया। आप सब लोग एक कंप्लेन कर रहे थे कि आप ही प्लीज़ कंटेंट थोड़ा चेंज करें, बिल्कुल देखें, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। मैंने अपने यूट्यूब पे कोई ना कुछ टाइम तक मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहले मुझे मलेरिया हो गया, फिर बारिशों ने सारे काम तबाह कर दिया, और फिर मेरी मामा को ऑपरेट हो गया, फिर डेली मम्मा के घर आना जाना, तो यूट्यूब का जो थोड़ा बहुत ब्लॉग होता था कर लेती थी। प्रॉपर मैंने ब्लॉगिंग की, इंस्टा पर मैंने इतना कोई काम नहीं किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉपर से अपना जो है वो चैनल को लेके चलेंगे, और मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर देना है कि आप भी हमें इस टॉपिक पर, बाहर ना किसी के घर का कोई काम चल रहा है तो वो बजरी और रेत वगैरह उठा रहे हैं, तो उसका शोर भी आप लोगों को आ रहा होगा, बिल्कुल घर के साथ ही ना कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है। बाकी आगे बहुत सारी वेडिंग सीजन भी आ रहा है, मेरी फ्रेंड की शादी भी इस वीक, मुझे एक अपनी फैमिली वेडिंग में जाना है, उसके रिलेटेड भी कंटेंट होगा, और मेरी फ्रेंड की शादी है उसके रिलेटेड भी कंटेंट होगा, बाकी स्किन केयर के रिलेटेड भी कंटेंट आने वाला है, मेकअप वीडियोस भी आने वाली है, वेडिंग सीरीज़ भी आने वाली है पूरी, जिसमें मैं आपको सारा मेकअप करना सिखाऊंगी, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी, और एशियन स्किन टोन के लिए भी बहुत सी वीडियोस प्लान की हुई है, सब आने वाली है। तो बस इंशाल्लाह ताला मैं वेडिंग से होके आ जाऊँ, फिर प्रॉपर एक्टिव होंगे, जब तक आप ब्लॉग्स वगैरह इन्जॉय करें, और फिर जैसे ही मैं वापस आऊँगी तो बहुत सारी धमाकेदार वीडियोस मिलने वाली हैं, और आगे बहुत सारी शादियाँ भी हैं। तो अभी मैं नाश्ता बस रख के आई थी, बनाना कट करके, पहले आप लोगों से सलाम दुआ हो जाए। बाकी देखो ना, डेली ब्लॉगिंग तो इसी तरीके की होती है, हमारे घर में अफराद ही कितने में, और अम्मी सारे दिन घर होते हैं, अब्बू अपने काम पे होते हैं, वसीम सुबह 8 बजे के गए, रात को 8 बजे आते हैं, तो वसीम के साथ बंदा क्या कंटेंट बनाएगा, वो बेचारे इतने थके होते हैं, तो इसीलिए जो है वो मैं अकेली बंदी होती हूँ, क्योंकि कभी अम्मी ब्लॉग में आ जाती है, तो इसलिए आप बोलते हैं कि घर वाले, तो घर वालों को कैसे लाऊं, घर वाले घर ही नहीं होते। और मुझे आज अपने डाई भी करने, मेरे रूट्स पे बिल्कुल ब्लैक हो गया, जब मैं ट्रिप पे गई थी ना, जब मैंने कलर किया था उसके बाद आके मैंने किया ही नहीं, तो आज मुझे वो भी करना है, लेकिन उससे पहले मैं बनाना खा लूँ, फिर हम लोग कलर करेंगे, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी, और भी बहुत कुछ अपकमिंग ब्लॉग्स में आने वाला है। बाय बाय। अच्छा जी, तो साथ साथ आप लोग ये देखें, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो है वो घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है। तो पहले तो ये बात सुन लें कि आप लोग उस चीज़ में अर्न करना चाहते हैं जिसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कम हो, तो इसमें सिर्फ 12,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, और आप मंथली जो है वो 25,000 से 30,000 रुपये कमा सकते हैं। काम क्या है वो भी मैं आपको यहाँ गाइड करते चलती हूँ, क्योंकि आए दिन आप लोग कुछ ना कुछ ऑनलाइन अर्निंग के अबाउट मुझसे पूछते ही रहते हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है, अर्निंग भी अच्छी है। आपको क्या करना है, रोज़ का एक आर्टिकल लिखना है, 25 आर्टिकल के बाद आपकी एडसेंस की वेबसाइट जो है वो अप्रूव कर दी जाएगी, और उस पर एड्स चलेंगे, जितने ज़्यादा एड्स चलेंगे आपकी अर्निंग उतनी ज़्यादा होगी, और उतने अच्छे से आप घर बैठे अर्न कर सकते हो। आपको सिर्फ डेली बेसिस पे आर्टिकल लिखने होते हैं, ठीक है। और बाकी मैं फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप लोग जब फॉर्म फिल कर लेंगे और उसके बाद आपको कंप्लीट मालूम दे दी जाएगी, उसमें जो भी आप अपना नंबर वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो टीम फिर आके आपसे खुद ही बात कर लेगी और खुद ही आपको हर चीज़ बता देगी, लेकिन मेक श्योर फॉर्म वही बंदा फिल करे जो वाकई घर बैठे कुछ अर्न करना चाहता है, कुछ कमाना चाहता है, और 12,000 तक की इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और ये 100% ऑथेंटिक काम है। सिर्फ आपको आर्टिकल लिखने हैं, 25 आर्टिकल के बाद आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने कलर किया था रेवलॉन का 70, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि बड़े अरसे बाद मैंने ये 2 नेल कलर जो है वो यूज़ किए थे। बाकी अर्निंग का बहुत अच्छा मौका है। आप घर हेयर कलर हमारा हो गया है, अब मैं इसको रखूँगी तकरीबन 45 मिनट्स, और जब तक मैं अपना कर लेती हूँ दोपहर का खाना, यहाँ गर्म हो रहे हैं राइस, तो बस खाना खाते हैं और फिर वॉश करते हैं, फिर आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। वैसे मैंने ज़्यादा ना रूट्स में किया है, नीचे तो कलर था ही था, ये रूट्स बड़ी ख़राब हुई थी, तो काफ़ी टाइम पहले कनेक्ट किया था। मैं क्या लेने जा रही हूँ, 1 मिनट राइस। घर में जी बनी थी बिरयानी, तो बस मैं बिरयानी खाती हूँ, फिर अपना हेड वॉश करती हूँ, और उसके साथ फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा रिज़ल्ट कैसा है, लेकिन हाउ कैन आई फॉरगेट माय लस्सी, तो यहाँ पे मैं अपनी लस्सी इंजॉय करती हूँ और अपना खाना खाती हूँ। ओके गाइस, तो हेड वॉश मैंने अपना कर लिया है, और ये है मेरे बालों का फाइनल लुक, रूट्स पे कलर हो गया अच्छे से, सारे बालों में जो है वो
कलर आ गया है और आप देखें कितना फ्रेश फ्रेश लग रहा है। बेसिकली मुझे रूट्स ही ज़्यादा कवर करनी थी और वो मेरे ख्याल से हो गई हैं। अभी आप लोगों को कलर थोड़ा डार्क लग रहा होगा, लेकिन एक दो दिन बाद जब ये वॉश होगा तो इसका जो कलर है ना वो लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। और बताइएगा आप लोग कि हेयर कट तो खैर मैंने खुद ही किया था, हेयर कलर भी खुद ही किया है, तो कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और आजकल स्किन भी बहुत अच्छी हो रही है मेरी। तो स्किन के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ वो भी इंशाल्लाह ताला अपकमिंग ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँ। एवरीवन, सो वेलकम। उसी व्लॉग में वही व्लॉग चल रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी फ्रेंड के घर उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो जा रही है तो हमने सोचा उससे मिलना है। मेरे ख्याल में फेस पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, बट चलो सही है। अभी वसीम आए, देखिए उनका सामान भी दे रखा हुआ है और हम लोग बस अभी निकल रहे हैं क्योंकि लेट हो रहा है। तो फिर मैं थोड़ा बहुत रेडी हो जाऊँ, कुछ चीज़ें रख लूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे बस दोस्त के घर के लिए, निकले थे थोड़ा सा ही दूर, इतना कोई दूर नहीं है। तो हम लोग जाते वक्त बस केक पिक किया, हम लोग गए हैं थोड़ी देर बैठे, एक दो घंटा मिल के वापस आ गए हैं। कुछ व्लॉग तो मैंने नहीं किया ऐसा, हम लोग बैठे थे बातें कर रहे थे, तो फिर ये जो व्लॉग है ये फिर नेक्स्ट डे। हाय गाइस, वेलकम। उसी व्लॉग में कल व्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, मैं दोस्त के घर चली गई, फिर वापस मैं रात को लेट हो गया। सो अभी बस मैं उठी, थोड़ी देर पहले नाश्ता वाश्ता किया तो लाइट अच्छी आई थी, मैंने कहा चलो यहीं पे खड़े होकर बात कर लेते। मैं बनाने लगी हूँ व्हाइट सॉस पास्ता, तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, आप लोग कह रहे थे शेयर करिएगा, तो चले आए बनाते हैं व्हाइट सॉस पास्ता और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेट्स गो। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। व्हाइट सॉस पास्ता के लिए आपको जो भी सब्जियाँ कट करनी हो कट कर लें, आप चाहे तो इसमें गाजर भी ऐड कर लें। मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी कट की है, उसके अलावा मैंने हाफ के जी कीमा लिया है और ये आ गई शिमला मिर्च और बंद गोभी, इस तरीके से मैंने कट कर ली। उसके अलावा चेडर चीज़ ली, उसको मैंने अच्छे से जो है वो चॉप कर लिया, और ये एक पूरा पैकेट जो है वो चेडर चीज़ मैंने यूज़ की है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, कढ़ाई में बटर थोड़ा सा गर्म कर लूँगी ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो हम इसमें प्याज नहीं डालेंगे, इसमें सबसे पहले मैं सब्ज़ी डालूँगी ताकि सब्ज़ी जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। मोस्टली लोग सब्ज़ी डालते हैं और मोस्टली लोग नहीं डालते, मुझे अच्छी लगती है तो मैं जो है यहाँ पे सब्जी डाल रही हूँ। कल व्लॉग नहीं आया, कल व्लॉग इसीलिए नहीं आया क्योंकि कल पूरा दिन लाइट नहीं थी और मेरे ख्याल में पूरे सिंध में ही लाइट नहीं थी, कुछ मसला हो गया था, लाइट कहीं जाके रात में आई है। तो सब्जी अच्छे से कुक हो रही थी जब तक, और यहाँ पे मैंने पास्ता भी अपना बॉयल कर लिया था। इस दफ़ा जो पास्ता था ना, ये वाला पास्ता इतना वो वाला क्वालिटी का अच्छा नहीं था। जैसे मोस्टली पास्ता जो है ना मैं पहले बनाती हूँ तो वो बड़े जल्दी से जो है ना वो बॉयल हो जाते हैं और सॉफ्ट से हो जाते हैं, लेकिन ये तो होने का नाम ही नहीं दे रहा था। यहाँ पर आपने 3-4 मिनट सब्ज़ी को कुक करना है, अच्छे से कुक हो जाती है। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है कीमा, और कीमे को वाइट होने तक आपने अच्छे से कुक करना है। कीमा जो है वो जल्दी कुक हो जाता है चिकन का, और चिकन के अगर पीसेस तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। देन आपने अपने हिसाब से इसमें जो भी सॉसेस डाली है, मैंने चिली सॉस डाली है और सोया सॉस डाली थी मैंने, और जो भी मसाले आपको इसमें ऐड करने हो, जितने स्पाइसेस आपको ऐड करने हो आप ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। कुछ लोग इसको फीका खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग तीखा खाना पसंद करते हैं, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा तीखा अच्छा लगता है। इसमें मैं रेड चिली पाउडर नहीं डालती हूँ, इसमें मैंने डाला है सॉल्ट डाला है और ब्लैक पाउडर डाला है बस, और कुछ भी नहीं डाला, ब्लैक पेपर डाला है, और मैंने कोई भी इस पर मसाला नहीं ऐड किया। बहुत से लोग डाल देते जिनको ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद होता है। तो यहाँ से अच्छे से कुक हो गई थी और फिर मैंने इसको जो है वो निकाल लिया था। अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ व्हाइट सॉस। सबसे पहले मैंने सॉस कह रही हूँ, सबसे पहले मैंने बटर डाला और बटर के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया मैदा, और मैं अच्छे से इसको जो है वो थोड़ा कुक करूँगी ताकि, और जल्दी जल्दी आपने कुक करना है ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना बने। फ्लेम ऑफ करके आपने इसमें मिल्क डालना है और इसको जो है वो अच्छे से मिक्स करना है अगेन ताकि कोई गुठली जो है वो ना बने। और मेरी सॉस थोड़ी सी कम पड़ गई थी और मेरा पास्ता जो है ना वो ज़्यादा वो हो गया था। वो मैं पैकेट वाले के हिसाब से बनाती हूँ, पहली दफ़ा मुझे दूसरे वाला मिला तो मैंने फिर उस हिसाब से बनाई, लेकिन आप इसमें जो है वो 2 कप मिल्क भी ऐड कर सकते हो अगर आप मेरी तरह पूरा एक पैकेट पास्ते का बना रहे हो। और इसमें मैंने ज़्यादा सारा जो है ना वो ब्लैक
सॉल्ट डाला और उसके साथ ही वाइट सॉल्ट डाला ताकि अच्छे से जो है मिक्स भी हो जाए और इसका टेस्ट जो है वो फीका फीका सा ना आए। फिर मुझे ऐसा लगता है बीमारों वाला टेस्ट। और ये देखिए इसमें जो है ना वो 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने डाला था नमक। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको गाढ़ा होने तक आपने थोड़ा सा पकाते रहना है, ठीक है। और बस ये हल्की फ्लेम पर पकाना है, फ्लेम आपने जो है वो तेज़ नहीं करनी। और उसके अलावा ये आ गई हमारे पास चेडर चीज़, ये भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। आज मेरा ट्राईपॉड भी नहीं था मेरे पास, तो बस अब मैंने इसमें लगा दी है चीज़। और यहाँ पे बस चीज़ को आपने 3 से 4 मिनट तक पकाना है और ये खुद ही गाढ़ी हो जाएगी और सॉस हमारी रेडी हो जाएगी। और फिर हमने इसमें पास्ता मिक्स कर देना है। देखिए जी, सॉस हमारी तैयार हो गई है और अभी हमने इसमें डालना है पास्ता और उसके साथ जो हमने अलग से चिकन बनाया हुआ था वो भी इसके साथ ही डाल देना है। पहले आप अच्छे से पास्ता को मिक्स कर लें ताकि सॉस का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और इस तरीके से मुझे थोड़ा सॉसेज वाला चाहिए था, लेकिन सॉस जो है वो इतनी खास हुई नहीं क्योंकि सॉस मेरी कम पड़ गई थी और पास्ता मेरा थोड़े से ज़्यादा था। तो आप 2 कप मिल्क ऐड कर लें और ये यकीन करें बहुत मज़े का बना था। और यहाँ पर मैं अपना पास्ता इन्जॉय कर रही हूँ और सबको बहुत अच्छा भी लगा था। और इसी के साथ ये व्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।